बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आधा किलो आलू लिए हैं, आलू को हम चॉप कर लेंगे। हाँ इसी तरह से सब आलू कर लेंगे। आलू को हमने हाफ बॉईल किया है, फुल बॉईल नहीं किया हमने। दूसरी साइड पे जो वेजिटेबल लिए हैं, वेजिटेबल्स में जो हमने लिया है सब्ज़ धनिया, एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था उसको हमने चॉप कर लिया है धो के, 6 से 7 हरी मिर्चें उसको भी चॉप कर लिए हैं, बंद गोभी, 3-4 गाजरें ली थी हमने उसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है, बंद गोभी को भी हमने काट लिया है बारीक बारीक, और सब्ज़ प्याज लिया है हमने थोड़ा सा। इन सब वेजिटेबल को अच्छी तरह से धो के चॉप कर लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपका दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं आलू के सीख कबाब। आलू के सीख कबाब बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आलू के सीख कबाब बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। जो लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते वो इंशाल्लाह से वेजिटेबल्स खाना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं सीख कबाब। आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं, अब हम ये आलू कद्दूकश किए हुए वेजिटेबल्स में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेजिटेबल्स हमने सारी डाल दी हैं, अब हम इसमें पाउडर मसाला डालना शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अजवैन, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर। सब पाउडर मसाले हमने डाल दिए, अब थोड़ा सा ब्रेड क्रम डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से पाउडर मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर अदरक का पाउडर नहीं है तो आप वैसे ही अदरक डाल लें, अदरक का पेस्ट बना के डाल लें। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके कबाब बाइंड नहीं हो रहे तो आप ब्रेड क्रम और डाल सकते हैं, हमारे माशाल्लाह से अच्छे बाइंड हो रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी शेप आई है। इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। देखिए कितनी अच्छी शेप बनी है। चलो जी अब हम फ्राई करते हैं। एक हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया है फ्राई करने के लिए। अब हम कबाब डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे इनको। एक साइड फ्राई हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड चेंज कर देंगे।
कबाब फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए जी, कबाबों को हमने प्लेट में निकाल लिया। इसी तरह से अब हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। हेलो, स्नैन साहब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे तो व्यूवर्स, हमने आलू सीख कबाब डिश आउट कर ली है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप एयर टाइट डिब्बे में या किसी जार में बंद करके रख दें। रमज़ान शरीफ में जब इनको फ्राई करने हो तो फिर अफ्तारी के टाइम इनको फ्राई करके फिर खा लें। आप इसे केचप के साथ भी ज़रूर खाइएगा, ये केचप के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।